घुमंतु जीवन यापन करती रही घुमंतु जातियों को शताब्दियों की करवट का एहसास भले ही नहीं हुआ, लेकिन पिछले दशक में बदलाव की तेजी ने समस्त विश्व में परिवर्तन के नए समीकरण गढ़ दिए हैं। पिछली कई शताब्दियों से समय और दौर चाहे जो भी रहा, घुमक्कड़ जातियों की जीवन शैली अपने चिर परिचित अंदाज में ही जीवंत रही। पहले ऐसे ही डेरे लगे फिरे थे, आज यहाँ है कल वहाँ है परसों वहाँ है, नो फिरते। इन द नोमैडिक कम्युनिटीज हु आर ट्रैवलिंग वेयर एंड आर इन अ डिसएडवांटेज पोजीशन बिकॉज यू डोंट हैव एन एड्रेस, इफ यू डोंट हैव एन परमानेंट एड्रेस देन यू आर नॉट काउंटेड एंड इफ यू आर नॉट काउंटेड एज अ सिटीजन देन यू डोंट एग्जिस्ट एज अ सिटीजन। ये गाँव से वो गाँव घूमते हैं, उनके वोटर्स लिस्ट में उनका नाम नहीं है, रेशन कार्ड नहीं मिलता है, बीपीएल की जो लिस्ट है दारिद्र्य रेशे के नीचे रहने वाले लोगों उनमें उनका नाम नहीं आता है। ये जैसा घुमंतुपन कारण है, उसे उनका अज्ञान भी कारण है। उस टाइम तो मैंने पता नहीं था 109 है कि 106 है क्या है वो, किसी का ऐसे एक भाई किसी रात को किसी को आदमी को पकड़ लेता है तो उसको बंद कर देता, उसको 109 होती है। उस टाइम हमने पता ही नहीं था वो 109 है कि 106 होती है, 110 होती है। फिर वैसे उसमें डोलने फिरने से जंगल खाली रहा नहीं, मुलतानी उलतानी के टाइम पीछे वाला हुई तो उस देख लिया भाई कोई मजाली बात नहीं, तो बैठ गया जगह जगह डेरा उठा के ला के हमने ये मौका देख के प्रतिपरा जंगल में हमने डेरा डाल दिया। अपने आप को प्रकृति की संतान समझती आई घुमंतु जातियों ने समाज और प्रशासन से टक्कर ले यह नारा बुलंद करते हुए कि जो जमीन सरकारी है वह जमीन हमारी है, यह कहकर अरावली की इन तलहटियों में अपनी ढानियां बसाई। कोई पूछेगा तो ये क्या है, पहचान पत्र है। और पहचान पत्र क्यों है, क्योंकि इससे हमारी पहचान है। संवैधानिक अधिकारों के दायरे से बाहर रहे घुमंतुओं को विगत 15 वर्षों से अरावली की तलहटी में बसाने और पहचान दिलाने की प्रक्रिया ने 50,000 से भी अधिक घुमंतुओं तक पहुंच बना सफलता के जो मापदंड तय किए उसके पीछे रहा घुमंतुओं का जीवन ज्ञान से अक्षर ज्ञान तक धीमा सघन और गहरा सफर। सदियों से जो पांव भ्रमण के आदि रहे हों उन्हें विराम देने की कोशिश सतही तौर पर भले ही अटपटी लगे, लेकिन सीआरपीसी की धारा 109 के कानूनी यथार्थ के सामने बिना स्थायी पते के सभी घुमंतु जातियां तलवार की धार पर ही खड़ी थीं। सीआरपीसी के तहत घुमंतुओं को अनेकों बार गिरफ्तार किया गया और इसके अंतर्गत जब किसी कार्यपालक मैजिस्ट्रेट को इत्तला मिलती है कि कोई व्यक्ति उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपनी उपस्थिति छुपाने के लिए पूर्वावधानियां बरत रहा है और यह विश्वास करने का कारण है कि वह कोई अपराध करने की दृष्टि से ऐसा कर रहा है, तब वह मैजिस्ट्रेट ऐसी व्यक्ति से इसके पश्चात उपबंधित रीति से अपेक्षा कर सकता है कि वह कारण दर्शित करे कि एक वर्ष से अनधिक की इतनी अवधि के लिए जितनी वह ठीक समझे उसे अपने सदाचार के लिए प्रतिभूतियों सहित या रहित बंध पत्र निष्पादित करने के लिए आदेश क्यों न दिया जाए। नहीं, ये तो है कि अगर स्थायी पता हो तो इनकी वेरिफिकेशन करने के लिए सहूलियत हो, बाय द वे कोई आदमी वहाँ कैसे आया है, क्यों आया है, कहीं संदेह रहता है तो उस चीज़ की तस्दीक की जाए, संबंधित थाने से तस्दीक करवाई जाए, तो पता होता है तो उसको आसान रहता है, उससे हमें भी उस चीज़ में सहूलियत मिलती है। इसलिए हम सामाजिक सोच रखने वाले लोगों ने या कानून की जानकारी रखने वाले लोगों ने ये निर्णय लिया कि इनका बचना बहुत ज़रूरी है। पते ठिकाने की अहमियत समझाने के लिए शुरू हुआ
घुमंतों के बीच बात करने के लिए माहौल बनाने का काम। घुमंतों के प्रति उदासीन संविधान में उनके लिए नागरिक अधिकारों की मांग करने का एक ही कारगर तरीका था, सरकार से लगातार संपर्क, बातचीत और एक नागरिक के रूप में अपनी पहचान की निरंतर मांग। सरकार से कुछ आपने मिलना चाहिए, आपने जमीन मिलनी चाहिए, आपने मकान भी मकाना खातर वाले अपना धंधा होना चाहिए। दूसरी बात, बाल बच्चा हो गया उसके लिए हमने स्कूल भी चाहिए। परिवहन के विकास से हाशिए पर आए बंजारे, मशीनी दौर से बेकार हुए ओढ़ गाड़िया लोहार, मनोरंजन की दुनिया में क्रांति से आहत नट वैभोपा और वन्य जीव एक्ट से त्रस्त बावरिया, सिंगीवाल एवं कालबेलिया समुदाय को इस कड़े संघर्ष हेतु तैयार करने के लिए सबसे जरूरी था उन्हें साक्षरता का महत्व समझाना और उनमें स्वयं साक्षर बनने की ऊर्जा फूंकना। अब तो काहे पढूंगी मैं, तो बाल बच्चों और पढ़ावाएगा। माँ अपन ने पढ़ाए नहीं, अब तो मरने को जा रहे हैं। अब बूढ़े बार काहे पढ़ूंगी। तो एक तो यह कि खेती बाड़ी कुछ कमाने खाने का इंतजाम नहीं है हमारे पास, मेहनत मजदूरी करती है सब। अब मंजूरी करने वाले को पढ़ने लिखने का टाइम कहाँ है? पढ़ तो ले साहब, अभी हमारे तो ये जनानियों पढ़ती नहीं है, यहाँ बाहर घूमने चले जाते हैं। अच्छा, काम धंधे की तलाश में? हाँ, ये अपने रोड पे काम करने चली जाती है, कोई खाई मजदूरी करने चली जाती है, बाहर निकल जाते हैं। नहीं, वैसा सिस्टम नहीं रहेगा कि भाई जैसे कि आपको स्कूल जाना पड़े, यहीं जैसे कोई टीचर आ जाए आपको सिखाए। हाँ, तो टीचर आ जाए तो बढ़िया। क का मतलब क्या होता है, ख का मतलब क्या होता है, ए का मतलब क्या होता है, पढ़ लेंगे तो अपन कम से कम पढ़ तो लिख सीखे। कोई की चिट्ठी आए, अपनी बेटी जब ब्याह करके चली जाए, चिट्ठी डाले तो अपन चिट्ठी पढ़ सके। पढ़ लेंगे। छह छत्री, जय जा, जय जाज। क्या है स्कूल हम जानते ही नहीं, तो कई बार यहाँ भी यहाँ मैं यहाँ से भी भाग जाता था, इतना डर लगता था, क्योंकि वो ऐसा कोई इंसान तो मिला नहीं हमको कि भाई ये शिक्षित हो जाओगे और आगे बढ़ जाओगे। अब वो दिन हमारे याद आ रहा है, उस दिन हम ये पढ़ा लिखा थोड़ा बहुत भी सीख गया होता तो सब कुछ कर सकता। जहाँ डर और झिझक ने रायमल जैसे लोगों को इस प्रक्रिया से दूर रखा, वहीं मामराज जैसे कई लोग मानो इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। तो मैं 3-3.5 साल का था, तो किसी एक अदावट हमने आपसी समाज में कोई दुश्मन था, वो मेरा पिताजी को मार दिया। तो मेरे पास क्या था, मुल्तानी फुल्तानी खड़िया, ये बेचता उस टाइम पे, तो ये उसको भी खिलाता और मैं भी खाता, ऐसे पाल के इसको मैं बड़े कर दिया। तो मैंने तो बस वही जो सब कुछ जितने करूँ धंधा लेकर मेरा मन भाई टकर है, मैं जो दुश्मन है उसको मेरा बाप का पिताजी का बदला ना लूँ जब तक मेरे वो मेरे जीना हराम है। क्यों, हमारा समाज में होता ही है कि भाई जो भी हाथ तोड़े तो उसका हाथ तोड़ो, पैर तोड़ो उसका पैर ही तोड़ना पड़े, जो कत्ल कर दे उसको कत्ल करना पड़े। और फिर मेरे में कुछ समझ बनती गई, मगर आप किसी के मेरे पिताजी को मारने वाला था नहीं, था उसका कड़ूमा का ही। मैं इसने मारने से मार करा तो उस मारा तो उसने, मैं इसको मारता था, ये मेरे में गलती, मेरे मन में सोचा मैंने, अफसोस था मुझे, मैंने गलत किया। क्यों, ये समाज परंपरा की रीत गलत है, मैंने सोचा खुद ने फैसला किया। दानी तावर को तेरी बारी नारायण यो तो दानी मी तावर को बार बर तेरी ओ तेरे करे तनी लोई लोई बर तेरी ओरी बालो देवरी नारायण ये तो बर तेरी ओ ते देव ये तोरी बड़ी के चलो तेरे मैली मई चालो बड़ी के तोरी मेल दिए वे ये तो चाल चे बड़ी के मेल बरते कुला दे रे मामी रे दई कोई पादे कटोरो। हमने घुमंतु समुदाय के साथ पढ़ने लिखने का जो काम किया, तो पढ़ने लिखने का काम का माहौल बनाने के लिए हमने सबसे पहले इनको ये डायरिया दी। ये जो डायरी है ये पढ़ने लिखने का जो माहौल है उसको बनाने का एक माध्यम बन गया है।
इनको अब ये पता चल गया है कि भाई ये डायरी हमारे पास रहेगी तो हमारे जो रोजनामचे के जीवन में जो परेशानी आएगी, जो कठिनाई आएगी, तो वो परेशानी हमारी तुरंत दूर हो जाएगी, हमको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरी दे के आपको दस्तखत करना सीखो मुख साहब, हम के जाना दस्तखत क्या करबो, ऐसे के पढ़बो माने जाने को ना जना, देखे अब मैं दस्तखत करवा सीख गया, मेरा नाम मांगवा सीख गया महाराज। किसके हाथ का लिखा हुआ है? और किसी के? अच्छा, किसे लिखवाया हुआ है? किसी से लिखवाया है? मानसिंह जी, मैंने नहीं लिखा। मानसिंह जी उप सरपंच, दुश्मन मास्टर, छुटमल मास्टर, भूरा राजू। अरावली की पहाड़ियों में घुमंतू कबीलों में आपको आज ये डायरियां मिल जाएंगी, लेकिन ये मात्र एक डायरी नहीं जिसमें उनके रोजाना काम आने वाले नाम, पते और नंबर हैं, बल्कि ये है पहली किताब उन घुमंतू पाठशालाओं की जिन्होंने इन्हें पढ़ाई लिखाई के महत्व के बारे में जागरूक किया, उनकी उत्सुकता जगाई, और आज बहुत से घुमंतू ये ललक रखते हैं कि इन डायरियों में वे अपने नंबर, नाम, पते खुद नोट करें। लिखा नहीं है, मेरे दिल के अंदर ही लिख लिया सामने वो किताब, एक दिल के अंदर ही बन गई मेरे ऑटोमेटिक। अच्छा, धीरे धीरे मैंने क्या करा, आप अभ्यास करो तो एक छोटी सी पुस्तक आती है, वो कह खे की आती पुस्तक, मैंने वो पुस्तक मंगा कर मैंने कह खे सीख लिया, तो मेरा मन में हो गया वो, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, खास बात नहीं है, मैंने 10 दिन में सीख लिया वो पूरा कह खे, तो फिर वो कह खे सीख लिया, फिर बालकड़ी सीख ली साहब, मैंने 1 महीना में वो पूरा काम सीख लिया, मुझे तो बहुत साधारण काम है, लोग 6-6 साल पढ़ 6-6 महीना पढ़ते हैं बच्चे, कह के नहीं आता है साहब, मैंने 1 महीना में तो वो बालकड़ी सीख ली। अरे अब तो जैसे 32-15 साल तो कोई सी रुकती है, लेकिन 10-12-13 साल 3-4-5 साल से शुरू होने शुरू हो जाती है, लेकिन गुनाह हो जाता है फिर जवान होती है जब। तो आपकी कब हुई? मेरे तो उस टाइम मैं 3 साल का था जब हो गई थी मेरी शादी। तो स्कूल जाने का समय मिला ही नहीं? जब एक स्थाई था ही नहीं, समय कहाँ मिलता हमको, आज यहाँ कल वहाँ। बदलाव की तेज आंधी में अपने अस्तित्व को बचाए रखने और उसे पहचान दिलाने की लड़ाई में सहभागी बनने को तैयार मामरा जैसे घुमंतुओं के रवैये से जन्मी घुमंतुओं की पाठशाला। वो ये तो बहुत आसान तरीका है, पढ़ाई को बहुत बड़ी मान रहा है लोग, मेरे को छोटी सी दिखी चुटकी भर दिखी, वहां तो हकीकत मैं 10 दिन में सीख गया ये केक है, और फिर बारकड़ी सीख गया मैं 1 महीने के अंदर अंदर, ये तो कहता है लोग बाग पढ़ाई क्या होती है, और मैंने कुछ जची नहीं, मुझे चुटकी भर है। पीपल का वर्ष सब वर्षों में पवित्र। जहां मामराज बंजारा जैसे लोग घुमंतुओं की पाठशाला के जरिए अपने टांडों के स्थायित्व की मांग मजबूत कर रहे थे, वहीं घुमंतु पाठशाला का दायरा बढ़ाने के प्रयास भी निरंतर जारी थे। वर्षों में मैं पीपल हूं। स्कंद पुराण में बताया गया है कि पीपल की जड़ में विष्णु जी तन में। धारा 109 CRPC के तहत स्थायी पता न होने की सूरत में किसी भी समय गिरफ्तार कर लिए जाने के डर को मिटाया घुमंतु पाठशाला के पहचान पत्र ने। धीरे 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 साहब काफी झगड़ा भी हुआ, हमारे अलवर में भी हंगामा किया, जयपुर में भी किया, हमने धरना भी दिया, ऐसे करके साहब कलेक्टर भाग गए यहाँ से अलवर से, जयपुर जाके पकड़े उसको। तहसीलदार आ गया, कौन हो तुम, बन जा रहा हम कि यहाँ क्या कर रहे होंगे हम, तो बसंगा और क्या कर रहा, कि आपने किसने बोला यहाँ साहब, हम तो अपना मर्जी से, मर्जी आपकी चलेगी, जमीन सरकारी है, फिर क्या करो साहब, क्या मेरे पास आओ आप जमीन ले बसाना तो मैं बसाऊंगा आपको। कानून से कोसों दूर भागने वाले घुमंतु अब संविधान से अपने नागरिक अधिकार पाने के लिए साक्षरता के महत्व को कुछ हद तक समझने लगे थे। इसमें पाई पाई दिन फिर कहते हैं। घुमंतु पाठशालाओं के अनियमित और अनौपचारिक पाठ्यक्रम घुमंतुओं को न सिर्फ कागजों का महत्व समझा रहे थे अपितु ठोस परिणाम हासिल करने की राह पर भी ले जा रहे थे।
वो ये हमारा जो मकामा का पट्टा बनाया ना, आपके मकान का? हाँ, मकान का पट्टा है ये, घुमंतू पाठशालाओं में मिले शिक्षा के प्रत्यक्ष परिणाम 1997 में मिले, जब पहली बार मामराज के टांडे बामनवास में बंजारों को जमीन के पट्टे मिले। शिक्षा के इसी परिणाम ने अन्य घुमंतू जातियों को भी घुमंतू पाठशालाओं के लिए प्रेरित किया। ये मैं पंच बना था पहली बार, निर्वाचित वो निर्विरोध सरपंच बना था, पंच वार्ड पंच वार्ड मेंबर उसका है। कौन से साल? 95। बंजारों को मिले इस सरकारी कागज से प्रेरित हो गाड़िया लोहार भी इस घुमंतू पाठशाला में पढ़ने जा पहुंचे। पढ़ी नहीं पहले बुजुर्गों ने पीड़ा फड़ाया नहीं, अब जो अब योजना आई है तो अभी पढ़ नहीं सकता मैं। नहीं, अब अगर कोई पढ़ाएगा तो पढ़ोगे? हाँ, पढ़ सकता हूँ मैं। इसकी मम्मी ऐसा कहती है कि कब बेड़े पास को करना, अपन तो फड़ लिया जो ही गल्ला। ये पापा और मम्मी कहते हैं मैं सर कहती हूं। और बात तू क्या चाहो से सुन करो दादा तो फड़ो खुद ही तो बहुत मटू करवा अपना तो कह दिया नहीं वो ने तो खाई बैठा देंगे पर तू हाथ भाई हमारे घर डूंडा बन जाए, हमारे बच्चे पढ़ने लग जाए, हमारी जिंदगी सुधर जाए तो हमारे भी यहाँ सोचे भाई गांव बस्ती का भी यहाँ कहते भाई वार्डन की अब जिंदगी इनकी सुधर गई। ये शिक्षा है, शिक्षा से ही हो सब चीज। अब ये एक शिक्षा से ये भी हो गया, अब पहले गांव गांव फिरे थे, जगह जगह फिरे थे, नाले में खाई खाई खाई, अब ये बस भी तो गया, शिक्षा ही मिली। छोटी सी किताब हमारी पाठशाला है नारी। कलम और कलम से लिखे शब्दों की ताकत को समझ चुके मामराज ने नए शब्द गढ़ना भी सीख लिया था। छोटी सी किताब मारी पाठशाला छे, छोटी सी किताब मारी पाठशाला है नारी। हाँ, मैं जानता हूँ ना। अरे नारी को नहीं, पाठशाला है नारी। छोटी सी किताब मेरी पाठशाला है नारी। नारी क्या लगे? नारी को मतलब भाई पाठशाला नारी अलग है, पाठशाला। बस में बैठो बैठो गाना बना दूं मैं। इसमें है जे मैंने ये कौन बोलूँगा भाई? छोटी सी किताब हमारी पाठशाला है नारी। नारी लिखिए, ये मैं छह लगा दूं तो छह में कहीं और पाठशाला को नाम तो आ गयो नहीं। मामराज ने सूरज भोपा के साथ मिलकर घुमंतू पाठशालाओं के लिए गीत बनाए। लाग नहीं दिमाग तू लगा दे कर फिर लगा जी लाग। छोटी सी किताब मारी पाठशाला छे, अब नारे लगा के या लगाई है नारी। छोटी किताब मारी पाठशाला मैं लगाऊं ना। छोटी सी किताब मारी पाठशाला छे, ओ नाली रे नाली हमे नाली छे। स्वलिखित गीतों को स्वरचित धुनों में बांधने के दौरान हुई मीठी झड़पों ने विभिन्न घुमंतू समुदायों के आपसी फासले भी पाट दिए। बाबूजी महाराज की फड़े बांचते आए सूरज भोपा के लिए भी पाठशालाओं के ज्ञान गीत गाने का अनुभव नया ही था। तीन कलम साथ में रहे, नंबर नाम पता लिखवा देगी, नंबर नाम पता लिख ले में, नंबर नाम पता लिख ले में। मैंने वो सीख लिया, फिर वो जैसे कि अंग्रेजी, फिर मैंने अंग्रेजी की एक वो पुस्तक आती है एक छोटी सी, उसमें ऊपर हिंदी में आता है नीचे अंग्रेजी आता है, भाई ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये क्या है, वो तो 26 अक्षर तो होता ही है। मैंने वो पूरा अक्षर सीख लिया है ना। जब मैंने मात्रा देखी तो इसकी अंग्रेजी की मात्रा कैसे बनती है, तो उसी से बनती है मात्रा। वो तो जैसे वो ए के आगे वो मात्रा एक की मात्रा लगती है, यू की मात्रा लगती है। मैंने देखा आगे तो इसी में सब कुछ होता है, 26 अक्षरों में सारा ही है, पूरी पढ़े इसमें है कि मैंने बी ए कर लिया, वो कर लिया, इसी से होता है। मैंने अभ्यास कराया, मैंने वो पूरी वो छोटी बड़ी अंग्रेजी सीख ली। तो आपको, आप आज ये पेन रखते हैं अपनी जेब में, आप लिखना पढ़ना जानते हैं?
अजी साहब मोबाइल ये फोन करते ने जब नू कांपता हम नू धूझता साहब ना हमको देखा था जब नू कांपने लग जाता ये पेन चलाना नहीं आता अब जो कोई पकड़ कर भैया ये पेन तेरे पास नहीं है हमारे पास है इसका नंबर दे दी ये काम कर लेते तो ये बात है भाई मतलब पेन का आपने नई तरह का इस्तेमाल सीखा हाँ लिखना आए ना आए किसी से लिखवा किसी से तो लिखवा लो हर कोई पढ़े बच्चा 5-4 वर्ष का 10 साल का ऐसा पादे कटोरो मीठो दूधरी मामी जी ये तो पादे रे कटोरो दूध भरे ते पुला देरी बालारी देवी कोई बोले थे मामी ये तो राम रे नारायण ने तो कहरी थे मामी जी आज तू तो रे सुन ले रे बोल रे देवी जी इतना फर्क देखिया कि देश में क्या हो रहा है मैं अखबार पढ़ लेता हूँ मैं खबर सुन लेता हूँ कि हाँ किस जगह क्या हो रहा है किस कौन सा देश में क्या हो रहा है पूरा भारतीय के विदेशों को देख लेता हूँ कि विदेशों में क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है आज जैसे वो इराक वो राष्ट्रपति की फांसी हुई सद्दाम हुसैन के हमने क्या पता है इराक है ही होगी हिंदुस्तान में ये पता नहीं विदेश में इराक है तो आज तो मेरे को बहुत नॉलेज हो गया विदेश में 200 देश है ना मैंने पता बने भाई अच्छे कितना बल्लायत है 7 बल्लायत अमरीका साउथ अमरीका जैसे अपने एशिया में अपने कई एक बल्लायत ऐसे में आ गए जैसे हिंदुस्तान है इसमें कई कंट्री आ गई छोटी मोटी पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान हमने क्या पता था क्या देश हमारे एक देश पता जैसे पाकिस्तान है नेपाल है जैसे चीन है तो हमको पता ही नहीं था श्रीलंका है पास में हमको ये जब पढ़ा इसे शिक्षा सीखा मैंने आपका हृदय से पढ़ाया कोई मास्टर नहीं पढ़ाया इसको ये आपका हृदय से ही आपका देख लिया मेरा देख लिया ऐसे गड़बड़ 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 करके आपसे मन से ही पढ़ गया इसके हृदय से पढ़ा हुआ हमारे बंजारा समाज में और हमारी कौमी में हमारे कोई नहीं सुधर रहा हमारे में एक आदमी लेन पे आया है कौन मामराज तो धीरे धीरे आप शिक्षा देता है हम शिक्षा को मानते नहीं है हम बुजुर्ग आदमी है मेरे से आके इरा लेता है मैं इसको कहता हूँ बेटा ये ऐसे कर ऐसे कर ये तो बहुत बढ़िया काम है साहब इससे काम है अब नहीं होगा तो होगा किससे फिर बताओ अब तो काफी विचार कर लिया क्योंकि अब तुम्हारे कने बैठने से उठने से रात दिन का प्रभाव पड़ता है कि भाई बच्चों को पढ़ाओ मैं तो कहीं भी जाता हूँ यही विचार करता हूँ चाहे किसी बस्ती में जाता हूँ तुम्हारा बच्चों को पढ़ाओ आने वाली समय ऐसी आ जाओगी सब कुछ भूल जाओगे तुम बस लड़कियों को भी पढ़वा तो ये बात है लेकिन इस उम्र में पढ़ते हुए शर्म नहीं आई ये शर्म क्या क्या इसमें अजी मैंने शर्म की बात कह रहा हूँ मेरे को तो छोटी सी लग रही है नाम मात्र बड़े बड़े लोग वकील कहता है पढ़ाई बहुत तगड़ी होती मैं कहता हूँ ना कुछ के बराबर है पढ़ाई जो लोग पुरस्कार सीखे तो हकीकत में साल भर में साल के एक महीना में सीख गया मेरी सारी पढ़ाई ये कह रहा है हम नहीं लग सकते नौकरी का नौकरी ऐसी लगती है अनपढ़ को नौकरी लगता है कोई अरे का ख्याल यही है कि लोग लगे नौकरी नौकरी बेटा पढ़ लिखना तैयार होता जब आजकल एमए बीए करे डोल रहा नहीं तो बंजारा में दम है और जात में दम थोड़ी लड़ाई करना लड़ाई कराओ नौकरी तो है नहीं सदियों से घुमक्कड़ जीवन जीता आया मामराज आज भी घुमंतु जीवन जी रहा है लेकिन अब यह घुमक्कड़पन उसकी मजबूरी नहीं है अब यह घुमक्कड़पन देन है मामराज के घुमंतु पाठशालाओं को समस्त घुमंतु जातियों तक पहुंचाने के महत्वाकांक्षी सपने की नहीं बहु जो जब सब घुमकड़ा ना पर बहु कहाँ पढ़ती बहु बुजुर्ग पढ़ने का टाइम नहीं लगा क्यों बड़ी बहु तो वो भी उसका भी वो घुमकड़ था अब जाकर वैसे वो वैसे बहु तीन है तीनों ना पढ़ी चार एक छोटी बहु पढ़ रही है अब जो शादी की उसकी बचपन की कर दी वो पढ़ रही है पांचवी उसका गुणा नहीं करे अब हाँ तो हमको तो अब तो शिक्षा भी इतना अच्छा लगने लगा पढ़ लग के बच्ची कुछ अच्छा ज्ञान होने लगे ना शिक्षा पे तो क्या आगे जाके वो ठगाओगे नहीं कि जाके अनपढ़ गुवार नहीं रहेगी लेकिन अब वो अब शादी ना तो बच्चे नहीं अब छोटी से मेरी पोती है मेरी दोहिती है वो पढ़ने जाती है मेरा दोहिता है ये पढ़ने जाता है पहले जहां ये पैर भ्रमण से थकने लगे थे वहीं ज्ञान के अंकुर रोपने के उत्साह ने इन्हीं पैरों में नया जीवन फूंक दिया है घुमंतु जीवन संस्कृति में अहम भूमिका निभाती घुमंतु महिलाओं का घुमंतु पाठशालाओं के जरिए टांडों से ग्राम सभा तक का सफर अगले भाग में अब तो शर्म थोड़ी बहुत हटी पहले तो घूंघट मार के हम ऐसे कहते तुम खड़ा रह जाता मैं कैसे कैसे बोलूंगा साहब इन तुम से उन्हें शर्म आती कि भाई कैसे बोलूंगा अब तो और भी शंका खुल गया भाई बैठ बासू उठ बासू तो भाई अब तो
कैसा ही आदमी सुझा के मलना पड़े। अच्छा एक बात बताओ, जैसे हम लोग शहर में होते हैं तो शहर में एक जब लड़की होती है या औरत होती है तो उसको बड़ा खतरा रहता है, अकेली नहीं जा सकती, कोई छेड़ ना दे, कोई कुछ कोई ना दे। तो ये जो बंजारन ये जंगल में अकेले घूमते हैं, डर नहीं लगता? नट रखो फिर तुम तो चक्कू रखो ये बांध के, फिर ऐसे डरपो नहीं हम, ये देख लो मारना मारना हम तो फिर मारना मारना पादा हम तो फिर उसका बढ़िया काम करो। मन बन जा रहा सुन ले, 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 बन जा रहा सुन ले, मन 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 बन जा रहा, 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 मन बन जा रहा सुन ले, मन बन जा रहा सुन ले, मन बन जा रहा सुन ले।